हेलो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस न्यूमेरिकल। तो मैं गिवन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आपने न्यूमेरिकल देख ही लिया होगा, तो न्यूमेरिकल में मैं जो रिटेनिंग वॉल की जो हाइट है वो हमें दी हुई है, जिसको कि एज बोलते हैं, वो 5 मीटर है, ठीक फ्रेंड्स। ओके, गामा इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉयल है, यूनिट वेट ऑफ सॉयल, ठीक दोस्तों। उसके बाद फाई दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद क्यू 200 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, से बेयरिंग कैपेसिटी, और एफ सी के इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है, और एफ वाई मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील का दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होता है हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालना। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दोस्तों फार्मूला होता है एच डी इज इक्वल टू क्यू बाई गामा 1 - sin φ / 1 + sin φ² होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हमारा रिटेनिंग वॉल की हाइट है, ये क्या है रिटेनिंग वॉल की हाइट, ये जो हमारा ऐसे फिगर बनता है, ठीक दोस्तों, ये हमारा फिगर जहाँ से इसका फाउंडेशन स्टार्ट होगा, ये यहाँ मतलब यहाँ पे बैकफिल से इसका फिल कर दिया जाएगा ये, ठीक दोस्तों। तो ये जो रिटेनिंग वॉल, जो हमें रिटेनिंग वॉल दिखेगी, ये 5 मीटर दिया हुआ है हमारा, ठीक। तो हमारा क्यों से बियरिंग कैपेसिटी 200 × γ = 18, 1 - sin φ / 30 degree / 1 - sin φ² इसकी वैल्यू स्क्वायर हटा दें, इसकी वैल्यू 1/3 आती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1.23 आता है दोस्तों, एच डी 1.23। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 1.25 मीटर दे लेते हैं, ठीक दोस्तों। एच डी मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन हमें मिल गई, टोटल डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बोले तो ये एच डी मिल गई, ये कितनी मिल गई 1.25। टोटल हाइट निकालनी है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये इधर देखिए 1.25 ये मिल गई हमें डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये 5 है, ठीक दोस्तों। अगर हमें टोटल डेप्थ निकालनी है तो ये 5 प्लस ये ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा, 5 + 1.25 = 6.25 मीटर। ये डायमेंशंस है, ये आप जल्दी जल्दी देख लीजिए, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब, ठीक, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब h/10 और h/15 के कुछ बीच होना चाहिए, मतलब ये जो h आपने निकालना है, h/10 से डिवाइड करिए, 15 से, इसी के बीच में आपको लेना है। तो एक का आ रहा है, एक का जो आ रहा है हमारा 625 mm, और इस एक का आ रहा है 4160 mm, ठीक। तो हमारा बीच का ले लेते हैं 500 ले देते हैं, मिनिमम हमारा जो बोलता है ये स्कोर, ये थिकनेस जो बेस, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब ये जो होनी चाहिए, ये मिनिमम 500 तो होनी चाहिए, 500, ठीक दोस्तों। ये 500 को कभी हम मीटर में लिख देंगे, कभी mm में लिखेंगे, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ठीक है ना। श्योर रहिए कि यूनिट आपको आती है, ठीक। तो जहाँ जैसी यूनिट चेंज करना होगा, हम 0.5 मीटर लेके चलेंगे तो 0.5 कर देंगे, mm ले चलेंगे 500 कर देंगे, ठीक। अब विड्थ ऑफ स्लैब देख लीजिए, सॉरी विड्थ ऑफ बेस स्लैब होगा b इज इक्वल टू, ये भी 0.4h टू 0.6h लाई करता है, जो भी आया हो हम सीधे डायरेक्ट 2.5 मीटर to 3.75 मीटर आया इसको सॉल्व, h की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6.25, तो b की वैल्यू हम लोग बीच के लिए लेते हैं 3 मीटर, मीन्स कि ये 3 मीटर हमने ले लिया, ठीक है दोस्तों। डायमेंशन आ रही है ना, अब लेंथ ऑफ टू स्लैब,
लेंथ ऑफ टो स्लैब, लेंथ ऑफ टो स्लैब क्या होता है 0.3b to 0.4b, ठीक दोस्तों 0.3b to 0.4b, तो ये हमारा आ गया 1 मीटर आएगा, ये 0.9 to 1.2 मीटर आएगा, तो इसको 1 मीटर ले लेते हैं, ठीक दोस्तों ये हमारा ये 1 मीटर, ठीक हमारा ये जो थिकनेस वर्टिकल स्टेम, इसको वर्टिकल स्टेम बोलते हैं, तो इसकी थिकनेस चाहिए हमें, ठीक दोस्तों थिकनेस के लिए हम एज्यूम भी कर सकते हैं, मगर हमारा हमारे पास एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम लोग निकालेंगे थिकनेस, जो कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू थिकनेस हमारी स्टेम की थिकनेस देता है, ठीक है ना। मैं यहाँ रिटेनिंग वॉल का एक फिगर बनाता हूँ, ये ऐसे कुछ हमारा रिटेनिंग वॉल होगा, ठीक दोस्तों, और इसका प्रेशर डायग्राम देखें हम, तो ऐसा प्रेशर डायग्राम होगा, इधर से बैकफिल लग रहा होगा तो प्रेशर कुछ आएगा, ठीक दोस्तों, ये हाइट 5.75 मीटर है, ये देखिए इधर हमने क्या निकाला, ये पूरी हमारी हाइट है, इसमें से ये 0.5 मीटर घटा देंगे तो ये पूरी हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक दोस्तों, तो ये हमारी हाइट है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रेशर लगेगा, तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा PH इसके सेंड्रॉयड ट्रेंगल के सेंड्रॉयड पे लगेगा, जो कि ट्रेंगल का सेंड्रॉयड वैसे भाई 3 होता है, ठीक है ना, और इसका जो प्रेशर आएगा KA γH, K एक्टिव ब्लड प्रेशर, गामा क्या हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो यहाँ पे सॉइल है, एच ये हाइट हो गई, KA γ एक्टिव, हमेशा रिटेनिंग वाला एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए डिज़ाइन होती है, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए डिज़ाइन नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे KA कैसे निकालेंगे, KA का फार्मूला होता है K = 1 - sin φ / 1 sin φ, ठीक दोस्तों, तो यहाँ से KA की वैल्यू सॉल्व करेंगे 1/3, फाई की वैल्यू 30 डिग्री हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए मोमेंट जो होता है m = PH × h/3 होगा दोस्तों, ये h डैश कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये h डैश कर लीजिए क्योंकि मैं टोटल हाइट h ले रखी है, तो h डैश कर लीजिए। तो ये जो लोड लग रहा है हमारा, ये लोड लग रहा है इतने डिस्टेंस पे, ये h/3 पे लग रहा है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट होता है दोस्तों, ठीक। उसके बाद PH की वैल्यू क्या होगी, PH की वैल्यू मतलब इसका जो ट्रायंगल का एरिया है, जितना एरिया होगा उतना ही प्रेशर आएगा, तो इसका क्या होगा, ये देखिए बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, क्या होता है ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 इंटू बेस क्या है KA γH, KA γH इंटू हाइट क्या है h डैश लेके चल रहे हैं h डैश, ये हमारा पूरा PH हो गया इंटू h डैश / 3 इसका सेंड्रॉयड, ठीक। इसमें सॉल्व कर लिए, KA के 1/3 रखिए, गामा 18 दिया हुआ है, h डैश 5.75 h/3। दोस्तों देखिए दोस्तों मैं वैल्यू रख रख के सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको। तो ये वैल्यू रखेंगे आप पूरा, तो आपको मोमेंट आएगा 190.10 kN mu बना लेंगे, इसको फैक्टर बना लेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो दोस्तों ये हमारा मल्टीप्लाई किया 285.15 आ गया, ठीक दोस्तों। अब हमारे मोमेंट ये दिया, वो मोमेंट निकल गया, ये फार्मूला पढ़ा ही होगा हमने लिमिट स्टेट मेथड में, तो यहाँ से देखिए FCK पता है हमें, ठीक है ना, B पता है, तो डेप्थ नहीं निकल जाएगी, तो देखिए जल्दी देखिए 0.138 FCK 20 विड्थ 1000 इंटू d² और मोमेंट क्या है 285.15, तो d हमारा आ गया 321.34, ठीक है ना, ये लगभग 330 mm ले लीजिए, और 50 mm का हम इफेक्टिव कवर देंगे, तो हमारा जो हो जाएगा डेप्थ, टोटल डेप्थ 380 mm, ठीक दोस्तों। यहाँ से हमारा डेप्थ निकल आया, सॉरी इसकी थिकनेस निकल आई, किसकी, रिटेनिंग वॉल की, कैसे देखिए इस फिगर में देखिए जितना ये रेजिस्ट करेगा, ये इतना ही तो डेप्थ ये रेजिस्ट करेगा। अब आपको ऐसे देखिएगा इस साइड में, तो ये डेप्थ इसकी होगी, ठीक है ना, और हाँ ये डेप्थ होगी, ये 1 मीटर, ठीक, बिल्कुल 1 मीटर, ठीक, डी हमारा ये निकल आया।
ठीक दोस्तों, अब देखिए, अब हमें चेक करना होगा, चेक फॉर स्टेबिलिटी, वेदर इट इज़ स्टेबल और नॉट, ठीक है ना। तो इसमें तीन चेक होते हैं, ओवर टर्निंग, दूसरा होता है स्लाइडिंग, और तीसरा होता है हमारा स्लाइडिंग के बाद हमारा होता है फेलियर अंडर सॉइल। तीन चेक होता है, तो हमारा ओवर टर्निंग के लिए आइए करते हैं। ओवर टर्निंग में देखिए, फर्स्ट ओवर टर्निंग जो है हमारा, ये हमारा रिटेनिंग वाल है, ठीक दोस्तों। ये हमारा 1.62 आ गया, क्योंकि हमें ये पता चल गया है, ठीक है ना। ये कितना 0.38 मीटर, क्योंकि 380 mm आया था, तो 0.3 मीटर, ये 1 मीटर है, ठीक दोस्तों, 1 मीटर है। इसके बाद देखिए, इसका पूरा प्रेशर डायग्राम बनाइए, ये ऐसे आएगा कुछ, अगर पूरे का बनाएंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बैकफिल होगा, जो मिट्टी होगी यहाँ बैकफिल होगा, ठीक है ना। तो बैकफिल का कुछ इस एक्सिस के अबाउट, ये जो इसका जो ओवर टर्निंग होगी इसी एक्सिस के अबाउट होगी ना, ये भी जो हमारे रिटेनिंग वाले कुछ ऐसे टर्न कर सकती है, इधर से फोर्स आएगा तो भाई इधर ही ना गिर सकता है, इधर तो गिर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर की वजह से इधर ही गिरेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट मान लीजिए, इससे इसके सेंड्रॉइड से ये जो हमारा बैकफिल होगा, इसके सेंड्रॉइड से ये x1 डिस्टेंस है, और फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कहीं, और इसका वेट मान लीजिए w1, इसका वेट w2, इस स्टेम का वेट, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस सेंड्रॉइडल डिस्टेंस ये x2 मान लीजिए, मतलब एक्सिस से इसके सेंड्रॉइड तक की डिस्टेंस, ठीक दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बेस स्लैब जो है हमारे, इसका w3 वेट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक। इसको क्या लेंगे, x3 ले लीजिए, w3 लिया तो x3, x1 x2 x3 कैसे निकलेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले w1, देखिए किसी भी चीज़ का वेट निकालना हो तो वैल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम गामा बोलते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यहाँ पे सॉइल होगी तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल का ले लेंगे, या फिर डेंसिटी, यूनिट जो सॉइल की डेंसिटी होगी, ठीक है ना, इंटू क्या होगा इसकी, ये हाइट, ये एरिया जो होगा वैल्यूम, ठीक है ना। ये पूरे रिटेनिंग वाल तो कुछ ऐसे जाएगी इस साइड में, तो 1 मीटर के लिए लेते हैं, तो 1 इंटू विड्थ देख लीजिए और हाइट देख लीजिए, ये क्या है 1.62 इंटू, अब ये देख लीजिए ये पूरा कितना था, 5.75, ठीक दोस्तों। तो ये हमारा, और देखिए गामा की वैल्यू क्या होगी, गामा की वैल्यू 18, ठीक है ना। तो ये 1.62 इंटू 5.75, ये आ गया हमारा 167.6 किलोन्यूटन, ठीक दोस्तों, आ गया समझ में। ये ऐसे W1 और X1, इसकी सेंड्रॉइड यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से देखिए ये पूरा 162 है, इसका आधा करेंगे, ठीक है ना, और पूरा हमारा ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, जितनी भी है उसमें से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल ये 3 मीटर था, ठीक है। तो 3 - 1/2, ठीक है ना, तो ये हमारा आ जाएगा 2.19 मीटर। ऐसे ही हमारा W2 निकलेगा, W2 में क्या होगा, 1 मीटर लेंथ के अलॉन्ग निकालेंगे, इंटू ये हमारा जो ये होगा क्या था, 0.38 था, ये हमारी थिकनेस थी, और ये हमारी हाइट थी, हाइट क्या है 5.75 इंटू 25। यहाँ देखिए यूनिट वेट ऑफ, यहाँ पे कंक्रीट होगा, ठीक है ना, कंक्रीट को 25 होता है, यहाँ पे सॉइल होगा इसलिए यहाँ पे 18 हो गया, ठीक है ना। तो W2 हमारा जो आ रहा है 54.62 किलोन्यूटन, और X2 सिंपली है, इसका निकाल लीजिए X2, इसका आधा करिए, इसका पूरा यहाँ तक जो जितना ये डिस्टेंस होगा ये देख लीजिए, ये 1 मीटर और प्लस इसका आधा, ठीक है ना, 1 प्लस
0.38 by 2, तो इसका हो गया 1.19 meter, ठीक है ना। एक्स टू डब्लू थ्री आ जाए, डब्लू थ्री भी ऐसे ही निकाल लीजिए, डब्लू थ्री मतलब 25 यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इंटू वन मीटर लेंथ के लिए इंटू ये और ये 3 meter, ये 3 meter और ये 500 था तो 0.5 meter, तो ये हमारा आ गया डब्लू थ्री 37.5 किलोमीटर। पर एक्स थ्री निकालेंगे तो 1.5 meter, इसका आधा 3 meter, ठीक। अब ये हमारा आ गया। अब देखिए जो हमारा रेजिस्टिंग मोमेंट होगा, रेजिस्टिंग मोमेंट जो इसको रजिस्ट करेगा एम नॉट, वो पी एच इंटू एच बाई थ्री, यही तो होगा यहाँ पे, जो पी एच इंटू एच बाई थ्री को ये हमारा जो स्लैब है वर्टिकल सिस्टम ये रजिस्ट कर लेगा, तभी तो होगा रजिस्टिंग मोमेंट कहलाएगा। और जो रिस्टोरिंग मोमेंट क्या होगा, जो इसका खुद का जो वेट है, जो वेट इंटू डिस्टेंस, ये जो रिस्टोरिंग मोमेंट एम आ रहा है, डब्लू वन इंटू एक्स वन प्लस डब्लू टू एक्स टू प्लस डब्लू थ्री एक्स थ्री, ठीक है ना। ये हमारा ये आ गया रिस्टोरिंग मोमेंट आ गया, ठीक है ना, वेट इंटू डिस्टेंस, ठीक। ये हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट आ गया। तो हमारा जो प्रोविज़न है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, मतलब स्लाइडिंग में सेव होने का, तो ये एफ ओ एस इज इक्वल टू 0.9 mr अपॉन एम नॉट होता है। एम नॉट हमारा ये रजिस्टिंग मोमेंट, एम नॉट हमारा रजिस्टिंग मोमेंट और एम आर हमारा रिस्टोरिंग मोमेंट। तो ये जब सॉल्व करते हैं, ये आई एस कोड का प्रोविज़न है, तो ये जो सॉल्व करते हैं 1.80 होता है, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से बड़ा है, हेंस सेफ इन स्लाइडिंग, सॉरी ओवरटर्निंग, ठीक दोस्तों। ये ओवरटर्निंग में हमारा सेव आ गया, ठीक। अगर सेव नहीं आया होता तो हमें कुछ यहाँ से जो हमने एज्यूम जो ज़्यादा कर लिया है, डेप्थ थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन करना पड़ता कहाँ से उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, तो ये सब करना पड़ता, ठीक है ना। थोड़ा डेप्थ और बढ़ानी पड़ती है हमें, ठीक, जिससे कि मूवमेंट कम आए और फिर ये ओवरऑल हमारा जो फैक्टर है ओवर स्लाइडिंग में सेव कर जाए, ठीक है ना। अब अगला आता है स्लाइडिंग हमें सेव दिखाना है। तो स्लाइडिंग में पिछला वीडियो में मैंने बताया था एफ ओ एस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू सिग्मा डब्लू अपॉन पी एच। सिग्मा डब्लू फ्रैक्शनल कोफिशियंट है, म्यू इज इक्वल टू 0.5 होता है, अगर नहीं है तो मान क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिया हुआ तो 0.5 मान लेंगे। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा डब्लू 0.5, सिग्मा डब्लू क्या होगा, सिग्मा डब्लू डब्लू वन प्लस डब्लू टू प्लस डब्लू थ्री हमने जो निकाला है अपॉन पी एच जो 117.18 पीएच क्या था, पीएच इज इक्वल टू ये हमने जो निकाला था इस ट्रायंगल का एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, हाफ बेस के ए गामा एच इंटू हाइट एच डैश थी, ठीक है ना। ये हमारा आ गया, तो हमारा ये 117.18 है, पीएच निकाल लीजिएगा आप। तो जो सॉल्व करने पे आ रहा है 1.10, ठीक है ना, विच इज़ ग्रेट लेस देन 1.15, ठीक है दोस्तों। तो नॉट सेफ इन स्लाइडिंग, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से कम आ रहा है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए सेफ नहीं है। तो इसके लिए स्लाइडिंग में सेफ नहीं है, तो स्लाइड करेगा ये जो हमारा है, स्लाइडिंग में बचाने के लिए इसको यहाँ पे सीयर की प्रोवाइड करेंगे, ठीक दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं फेलियर अंडर सॉयल में क्या होगा, जो हमारा ये है रिटेनिंग वॉल, ये हमारा रिटेनिंग वॉल है 3 meter, ठीक। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था फोर्सेस ऑन रिटेनिंग वॉल, कौन कौन सा फोर्स आता है, कैसे स्लाइडिंग बचाया जाए, ठीक है ना। ये हमारा कुछ आएगा ऐसे,
ये सॉयल का जो अर्थ प्रेशर है ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पी मिनिमम आता है विच इज़ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पी मैक्सिमम आता है विच इज़ ग्रेटर देन क्यू क्या नाम है सॉयल बियरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। पी मैक्सिमम जो है ज़्यादा नहीं, सॉरी, ये पी मैक्सिमम कम होना चाहिए सॉयल बियरिंग। सॉयल बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर उस पर कम आएगा, तभी तो वो रजिस्ट कर पाएगा। अगर सॉयल बियरिंग कैपेसिटी 10 किलोन्यूटन है, आप उस पर प्रेशर लगाने 50 किलोन्यूटन का, तो फेल कर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मैंने फार्मूला बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया था पी मैक्सिमम का डब्ल्यू सिग्मा डब्ल्यू अपन बी, बी मतलब विड्थ, और 1+6 ई बाई बी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है, ई की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ई इज इक्वल टू बी बाई टू माइनस एक्स बार, ठीक है ना। और एक्स बार जो होता है, एक्स बार इज इक्वल टू एम आर माइनस एम नॉट अपॉन सिग्मा डब्ल्यू क्या नाम है, ये हमारा मोमेंट रजिस्टिंग मोमेंट है और ये रिस्टोरिंग मोमेंट है, अपॉन सिग्मा डब्ल्यू मतलब समेशन ऑफ हमारा जो वेट है जो हमने W1 W2 निकाला है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे B/2, यहाँ से E की वैल्यू आएगी, ठीक। तो एसेंट्रिसिटी E होता है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारा सब रख देंगे जल्दी जल्दी करने के लिए दोस्तों, हम सिर्फ आपको ये प्रोसेस बताना चाहते हैं। 64.47 किलो न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना, जो कि क्या है, कम है किससे, सॉयल बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि सॉयल बियरिंग कैपेसिटी हमारा 200 है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है ना, उससे कम हमारा स्टेप है। पी मिनिमम जो आ रहा है हमारा, पी मिनिमम सॉल्व करेंगे, पी मिनिमम भी स्टेप क्राइटेरिया है भी 1 माइनस, ये इसमें प्लस रहेगा इसमें माइनस रहेगा, बस यही दिक्कत वो है फार्मूला। तो ये हमारा आ रहा है 8.65, बस जीरो से बड़ा होना चाहिए, ये हमारा फिर सही है, हमारा मतलब सॉयल फेलियर अंडर सॉयल में, मतलब ये निकल जा रहा है, सही चला जा रहा है, ठीक है ना। कभी कभी ई की वैल्यू कभी कभी यहाँ पे जो होता है ये जीरो से कम होने लगता है, ठीक दोस्तों, जीरो से कम होने लगता है तो हमें इसेंट्रिसिटी कुछ ज़्यादा बढ़ा देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वहाँ से ऐसे कर लेंगे, हमारा स्लाइडिंग में सेव हो गया। अब हमें डिज़ाइनिंग करेंगे एक एक, ठीक है ना, डिज़ाइनिंग मतलब हिल स्लैब की करेंगे, टो स्लैब की करेंगे, वर्टिकल स्टैम्प की करेंगे, बेस स्लैब की करेंगे, ठीक है ना दोस्तों।